एक बार फिर श्री राम अक्षत यात्रा पर जानलेवा हमला। यह घटना है झारखंड के गिरिडीह जिले के धनवाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जटहा गांव का, जहां पर श्री राम अक्षत यात्रा गुजर रहा था। तभी मुस्लिम समुदाय के जवान, बुजुर्ग और बच्चों तक ने लाठी डंडों से कलश अक्षत यात्रा में सम्मिलित हिंदुओं पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक दिव्यांग हिंदू युवक सुधीर सिंह की दाहिने हाथ की कलाई टूट गई। इससे पहले 8 जनवरी को मध्य प्रदेश के शाजापुर में अक्षत यात्रा पर हमला किया गया था, जिसमें भी एक हिंदू युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसमें 24 पत्थरबाजों को नामजद किया गया था, जिसमें से जो मुख्य पत्थरबाज था मोहम्मद रहीम पटेल, उसके अवैध घर को मध्य प्रदेश प्रशासन ने जेसीबी से ढा दिया था। अब देखना यह है कि झारखंड वाली घटना में वहां की सरकार, वहां की प्रशासन क्या करती है।